अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू, कोकोनट लड्डू बनाएंगे हम, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। देसी घी का यूज़ करेंगे, देसी घी से लड्डू वगैरह का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 250 ग्राम, पाव किलो मैंने ये घिसा हुआ खोपरा ले लिया है सूखा। ये आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप पर ईजिली मिल जाएगा। तो इसको हल्का सा भून लेंगे हम खुशबू आने तक घी में। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम हाई कर दोगे तो ये जल्दी से जल जाता है खोपरा, और इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा हम इसको भून लेंगे। 2 पिंच इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इलायची पाउडर का। और 1 कप हम इसमें दूध डालेंगे। ये 1/2 कप मैंने घर की जमी हुई ताज़ी मलाई का यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे लड्डू सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा हमारे लड्डुओं में। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और लड्डू बनाने का जो भी प्रोसेस है उसको हम लो फ्लेम पर ही करेंगे, फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब 1 कप हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, शक्कर का पानी इसमें से रिलीज़ हो रहा है, शक्कर हमारी मेल्ट हो रही है, तो ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो गया है। तो इसका पानी हमें शक्कर का अच्छी तरह से सुखा लेना है। 1/3 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे लड्डू में। हल्का सा मावे जैसा टेस्ट आएगा लड्डू में, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, आप सिर्फ दूध और शक्कर में भी इसको बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे और इसके पानी को भी सुखा लेंगे। डो की कंसिस्टेंसी में हमको इसे लेकर आना है। तो ये देखिए, शक्कर का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो अच्छी तरह से सूख चुका है, ये डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने उठा लिया है मिक्सचर, तो अच्छी तरह से बन रहे हैं लड्डू। मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं, 1 वाइट मैं प्लेन रखने वाली हूँ और 3 मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना चाहे तो डालें, वरना आप सिंपल वाइट भी रख सकते हैं इसको। तो ये मैंने पिंक कलर ले लिया है, मैं जेल कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप पाउडर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जेल कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपने देखा है मैंने कितना सा लिया है, सिर्फ 1 कतरा लिया है मैंने। इसको गरम गरम में ही मिक्स कर लेना है, गरम में मिक्स करेंगे कलर को तो अच्छी तरह से मिक्स होगा, और जब यह हल्का गुनगुना रहेगा उसी वक्त आपको लड्डू बनाने हैं। तो मैंने 1 पिंक कलर, 1 ब्लू कलर और 1 लाइट ग्रीन कलर रखा है, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है जिसमें हम डिप करेंगे हमारे लड्डुओं को। तो सबसे पहले हाथों को घी से हम ग्रीस कर लेंगे और इसके हिस्से कर लेंगे, हर हिस्से बराबर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हर लड्डू एक जैसे शेप में बनेंगे, कोई छोटे या बड़े नहीं होंगे। तो सबसे पहले हिस्से बना लेंगे, उसमें से 1 हिस्सा हम उठा लेंगे और इस तरीके से पहले हाथों से दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखिए, हाथों से दबा लिया है, इसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे इसको लड्डुओं का। हल्के हाथों से शेप देना है, बिल्कुल ठंडा कर दोगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। ये देखिए, लड्डू हमारा बन चुका है, इसको हम कोकोनट में डिप कर देंगे इस तरीके से। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका कलर, और कलरफुल बनाने से ये होता है कि बच्चे भी काफ़ी शौक से खाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा लड्डू, और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाए। बेल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने ये ब्लू कलर वाला भी बना लिया है।
और घी आपको कम ही डालना है। जब आप फर्स्ट टाइम कोकोनट को रोस्ट कर रहे हैं घी में, तो 1 टेबल स्पून ही डालिएगा पाव किलो खोपरे में। ज़्यादा घी डाल दोगे तो लड्डू आपके बनेंगे नहीं, बिखर जाएंगे। काफ़ी टेस्टी और मज़े के होते हैं ये लड्डू। आप एक बार इसको बनाओगे तो बार बार इसको ही बनाकर खाओगे। बहुत ही मज़े के लड्डू बनते हैं ये, घर पर बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने प्लेन वाइट रखा था, उसको भी मैंने इसी तरीके से बना लिया है। सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी है, मैंने उसको डिश आउट कर लिया है। हल्का सा हम इस पर डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगेगा ये। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ कर भी बताती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। माशाल्लाह बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़े का है। बिल्कुल बाहर से भी अच्छा हमारा लड्डू बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।